subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इटावा में गरीबों का दर्द देखने पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष। जनपद इटावा के गांव भदमा सावरान पहुंचे सरप्रिय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि सक्सेना। वहां जाकर गरीबों का दर्द जाना, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इटावा जनपद में आज भी एक ऐसा गांव है जहां विकासों से कोसों दूर है। गरीब नरक की जिंदगी जीने को मजबूर है। गरीबों को उत्तर प्रदेश सरकार कई योजनाएं देने की बात कर रही है। आज गरीब बेसारा गांव के लोग एक सेंटीग्रेड ठंड के कहर में झोपड़ी में रहकर खुले आसमान में जीवन यापन करते दिखाई दे रहे हैं। आखिर ग्राम प्रधान ने इन गरीबों तक सरकारी सुविधाओं से वंचित कैसे छोड़ दिया? गांव में महिलाओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि सक्सेना को अपना दर्द बयां किया। गांव में सरकारी हेडपंप तक की सुविधा ग्राम प्रधान ने नहीं कराई, जिसके कारण गांव की महिलाएं आज भी गंदे नाले में नहाकर जीवन काट रही हैं। मोदी सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी गरीब आंसुओं की जिंदगी जीने पर मजबूर हैं। रहते कहाँ? नहीं, गुजारा किसके यहाँ कर रहे हैं? आपके भाई के यहाँ? आपका खुद का मकान है? किसका है? राजेश के मकान में कर रहे हैं। राजेश? राजेश आपके कौन है? लड़का है, बड़ूला। मतलब आप अपने लड़के के मकान में रहते हैं? अलग रहता अलग है वो, आपको रहने के लिए जगह नहीं है। आपका क्या नाम है? विकेश। विकेश में रहते होंगे? ये दो भाइयों के बीच में बंटवारा है क्या? तो ये किसको दिया गया है? तीन भाई। तीन भाइयों के बीच का है, तो ये किसके हिस्से में आता है तीसरा? ये हम दोनों लोगों के आता है, हम छोटे छोटे दो छोटे छोटे भाई हैं। तो आपने क्या प्रधान जी को कोई आवेदन वगैरह दिया था, क्या कंडीशन अपनी दिखाई यहाँ की? हाँ, मैंने बताया था पहले। हाँ, क्या कहा प्रधान जी ने? प्रधान जी की देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ के जो प्रधान जी हैं, क्या नाम है उनका? महावीर सिंह। महावीर सिंह, तो उनकी वाइफ है प्रधान या वो स्वयं प्रधान है? वाइफ है प्रधान। तो आपने जब आवेदन के लिए कहा तो उन्होंने क्या आपको जवाब दिया? उन्होंने बोला था देखेंगे आएगा कोई तो मैं बताऊंगा उसके लिए। यानी आपने कहा है, अपनी तरफ से आवेदन किया, उनकी तरफ से अभी कोई संतुष्टि में आपको जवाब नहीं दिया गया है? तो ये कौन सा गाँव पड़ता है? पत्ता। क्या नाम है आपका? आपके गाँव का नाम? अच्छा, तो आप ये बताइए क्या समस्या है, किस समस्या से जूझ रही हैं आप? हमारा ये है, मकान नहीं है, हम अपनी झोपड़ी में खाना बनाते खाते। अच्छा, झोपड़ी में रह रही हैं? हाँ। लगभग कितनी साल से आप झोपड़ी में रह रही हैं? हमें ये 5 साल है। अच्छा, 5 साल हो गए। हाँ। तो 5 साल से आपने अपने ग्राम प्रधान से कहा कि मुझे आवाज़ दिया जाए, कॉलोनी दी जाए? क्या कहते हैं? हमसे खिलाफ चल रहे हैं। अच्छा, खिलाफ चल रहे हैं। अच्छा, तो आपने कहा नहीं कि मैंने वोट भी दिया और जनता एक दूसरे को वोट भी, प्रधान को वोट भी देती है, लेकिन फिर भी कॉलोनी दी जा रही है आपको? आप जवानी, हम तो मांगते हैं और हर चीज मांगी, शौचालय मांगे, सब मांगे, और देखो जो गुलाब भी मांगो नहीं दिया। अच्छा, आपसे खिलाफ क्यों है प्रधान? क्या कोई पुरानी रंजिश बताते हैं? अब पुरानी हमारी तो कोई बात नहीं है। नहीं तो ये सार्वजनिक काम है, प्रधान को तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो दावा कर रही है कि मतलब गरीबों को आवाज मुहैया कराने की बात कर रही है, शौचालय देने की बात कर रही है, सरकार तो क्या कहेंगे आप? तो हम जाके हमें नहीं दी प्रधान ने साफ, और क्या मांगी नहीं दे रहे, तो क्या जो रहे लड़ाई है कोई? तो ये बताइए, ये जगह आप ही की है क्या? हमारी है। ये कौन सा गांव लगता है? पत्तापुरा। पत्तापुरा। यहाँ का ग्राम प्रधान कौन है? महावीर सिंह प्रधान जी हैं। तो आप इस मकान में जो रह रही हैं, तो कब से रह रही हैं? हमको 10-12 साल हो गई है। अच्छा जी, आपके जो बगल में बुजुर्ग माता जी खड़ी, कौन है आपकी? हमारी मम्मी है या सास है? सास। तो आपकी जब से शादी हुई तब से आप यही हैं? हाँ, तो क्या आपने प्रधान जी से इस मकान से संबंधित आवास जो कॉलोनी मिलती है शासन द्वारा, सरकार जो कॉलोनी सभी लोगों को दे रही है? मैंने बोली थी साहब, उन्होंने जब बोली कि आपका नाम सूची दे दिया है, आ नहीं रही है। ये कब कहा था आपने? हमको अभी 1 महीना भाई। अच्छा, 1 महीना हुआ, आपने कहा कि जो सूची में आपका नाम दे दिया गया है अभी तक मिली नहीं है। हाँ। तो उनसे कही, तो सेशन जाने वाला है, प्रधानी के चुनाव आने वाले हैं, अब हमें आप कैसे दे पाएंगे? अगर आप जीतेंगे तभी देंगे, और हार गए तो कौन देगा? बोले कि जब आ नहीं रही ऊपर से तो आप कौन कौन से दे, जब आएगी तब दे देंगे। पर साल आपने कहा था? कही थी। पर साल भी नहीं मिला? 2-3 बार हो चुके हैं, तब तक देगी कहाँ कॉलोनी? यानी बराबर वही यहाँ के ग्राम प्रधान है और आपको कोई उसकी लाभ नहीं मिल रहा है? अम्मा आपके, अच्छा नाम क्या है आपका? सत्यवती। सत्यवती अम्मा, ये बताइए आपको जो वृद्धा पेंशन जो आती है वो आपको मिलती है? नहीं मिलती। तो आपने प्रधान जी से कहा अपनी पेंशन? खूब कहीं जो करे अब करे सब करे, नहीं।
मतलब आपके आपके द्वारा हर बात बताने के अनुसार भी आपकी कोई मदद प्रधान के द्वारा नहीं की गई है? अब समस्या का है, इन लोगों ने पहले तो हम लोगों को बात बुलाई लो, अब जगह होती है अकेली एक परेखा मेरे आते उतनी जा उनके चार लड़का हमारे पंद्रह लड़का पंद्रह है चार जन बीच पंद्रह हाँ सो रहा थे कम से कम सब नाती सब बगुन ब्याह हुई है। अब सब तरू पर रह रही, कोई किराए पर डरी, कोई गाँव डरी, कोई छतन पर डरी, लड़ा इतनी जगह नहीं बगुनतियाँ मेरी परेशानी उठा रही। तो आपने ग्राम प्रधान से कहा कि मुझे कोई आवास वगैरह दिया जाए? खूब कही, वे कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहे। क्या कहते हैं वो? जो कह रहे हैं एक जने दे दे, हम कोने कोने दे दे, हम नहीं दे पाएंगे काम। तो सरकार तो दावा कर रही है कि गांव में मतलब जो गरीब लोग हैं जिनको रहने की व्यवस्था नहीं उनको आवास दिया जाए? नहीं दे कोई नहीं दे। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामा देवी। गांव का नाम आपके? पत्तापुरा। अच्छा, जो टूटे मूटे मकान में रह रहे हैं आप, लगभग कितना समय हो गया आपको? हम जब से यहाँ तक शादी हमारी हुई की आई तभी से यहाँ रहते हैं। अच्छा, तो आपने ग्राम प्रधान से कहा कि मुझे एक कॉलोनी दी जाए? क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो आगे क्या मतलब आप इसी झोपड़ी में रहना चाहेंगे या अपनी फिर प्रयास करेंगी प्रधान जी से? अब प्रयास करते तो नहीं दे रहे तो काम। वर्तमान प्रधान कौन है इस टाइम आपके यहाँ? महावीर। महावीर सिंह। हाँ, आपने कितने बार उनसे कहा है? कई बार कही है। हर बार क्या कहते हैं? कहते मिल जाए, मिल जाए, मैंने कुछ कुछ नहीं कोई झाड़ी जो तीन रात। आप तो सभी समस्या आए 10 साल हुई है रात अभी और सब समस्या आई घर मकान तब उधर ही आदमी खत्म हुई है लड़का खत्म हुई है। तो आपने कहा कि ग्राम प्रधान से कि हम झोपड़ी में रह रहे हैं मुझे एक कॉलोनी दी जाए? हाँ कही थी। क्या कहते हैं वो? नहीं दी, आप पहले कर रहे आप दिए फिर मने कर दिए। अच्छा, शौचालय दिया गया आपको? नहीं कुछ नहीं दिया। मतलब सरकार की जो सुविधा है कोई आप तक नहीं पहुँची? कोई नहीं पहुँची। अच्छा, पत्तापुरा। पत्तापुरा है, ये आपकी जगह है? हाँ। यहाँ आप कब से रह रहे हैं? यहाँ मेरी शादी को 10 साल हो गए। तो यहाँ आपने आवास के लिए जो आप बता रही हैं, क्या आवास आपको यहाँ दिया गया प्रधान जी द्वारा या नहीं? नहीं। आवेदन किया आपने? पता तो करते हैं, उनसे कहते हैं लेकिन मिलने की कोई चांस नहीं दिखाई देते। अच्छा, ये जगह आपकी खरीदी हुई है या आपके बुजुर्गों की दी हुई है? ये मेरे बुजुर्गों की है। बुजुर्गों से प्राप्त है। तो आपने प्रधान जी से क्या कहा जब आपको उन्होंने कॉलोनी नहीं दी? कॉलोनी कहते हैं मकान कमरा बना है, ये कमरा बना हुआ है इसलिए नहीं देते। इसमें कितने लोग रहते हैं? यहाँ तो ये कमरा दो लोगों का है। दो कमरा लोग का? मेरा है, भाई साहब का इधर आगे है। आगे है, तो वो भी आपके जेठ हैं या देवर हैं? कौन है वो? जेठ। तो उनको भी कॉलोनी नहीं है, वो फैमिली से हैं? हाँ, दो लोग हैं। अच्छा, तो आपके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं? कितना समय हो गया? हो गए 10 महीने। 10 महीने। तो आपकी ये देख रेख पालन पोषण जो परिवार चलाने की स्थिति कैसे हो रही है पूरी आपकी? अच्छा, आपके साथ में सास ससुर? आप अकेले हैं यहाँ और आपके साथ में दो बच्चे हैं, कोई और आपका आसरा नहीं है यहाँ? तो आप जी जैसे ये मकान जो रह रही हैं, और मैंने देखा अभी हमारे पत्रकार लोगों ने भी देखा है कि ये घन टूटी हुई है जिसमें लकड़ी का सहारा लेके आप जिसमें रेजिडेंस कर रही हैं, अगर टूट जाता है और आपके बच्चे अगर इसमें हादसा हो जाता है तो क्या आपने इस संबंध में प्रधान जी से कोई शिकायत नहीं की? थी लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा है, मतलब कुछ कहा ही नहीं। मैंने एक बार दो बार कहा है, कुछ नहीं कहा। तो आपके जी क्या नाम है आपका? प्रहलाद। गांव का नाम? पत्तापुरा। अच्छा, ये लगभग कितने समय से रह रहे हैं आज टूटे हुए मकान में? आज साहब हमें करीब 30 साल यहीं पे थे। अच्छा, आपने ग्राम प्रधान से कहा कि मुझे कॉलोनी दी जाए? बिल्कुल साहब, हमने प्रधान से कही है कि कॉलोनी मिले वो चाहिए। क्या कहना है प्रधान जी का? प्रधान जी तो चाहिए कह रहे हैं कि मिले तब दिए, मिले तो दिए, हमें तो सब जानकारी नहीं है। अच्छा, अब मिल रही को दे रहे हो कहा? लगभग कितना समय हो गया प्रधान जी को? अब प्रधान जी तो साहब हर साल ही कही जाते, पर 10 साल से प्रधान है तो कहा कोशिश करते हैं, प्रधान कह रहे कि मिले तभी तो दिए। तो सर अम्मा क्या नाम है आपका? सरला देवी। गाँव का नाम? पत्तापुरा। अच्छा, जो आप झोपड़ी में रह रहे हैं टूटे फूटे जो मकान में रह रहे हैं, तो लगभग कितने साल हो गए आपको? कम से कम 25-30 साल है। 25 जी। आपके गांव का नाम क्या है? पत्तापुरा। अच्छा, तो आप क्या पूर्व प्रधान है गांव से? नहीं, मैं प्रधान की तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी कर रहे हैं, तो क्या जन समस्याएं हैं आपके गांव में? बहुत लोगों की समस्याएं हैं, बहुत पिछड़ा हुआ गांव है हमारा, इसमें कोई विकास नहीं हो रहा है, ना आवास दिए जा रहे हैं, ना विधवा पेंशन बन रही है, ना विकलांग पेंशन बन रही है, पूरा पूरा बैकवर्ड है हमारा गाँव। अभी देखा जा रहा है कि जैसे मैंने आपके गांव की जो जांच पड़ताल किया तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लोग आज भी नरक की जिंदगी जीने को मजबूर है। क्या किस तरीके के क्यों हालात बने हुए हैं? लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं विकास की तरफ, जो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रधान हमारा है जो
वो कोई विकास की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, अपने अपात लोगों को काम हो रहे हैं, जो उनके बीच के लोग हैं वही मध्यस्थता कर रहे हैं, उनका काम होता है जो। तो सरकार तो दावा कर रही है कि जिस तरीके से देखा जाए गरीबों को एक सरकारी सुविधा देने की बात करती है, तो क्या वजह है जो आपके गांव में सुविधा अभी तक नहीं पहुंची है? ऐसा है कि सरकार तो प्रयास कर रही है लेकिन वो बीच में जनता तक नहीं आ पा रहा है, जनता तक जो हकीकत होनी चाहिए वो नहीं है, वो बीच में ही कागज कार्रवाई होके वहीं फिनिश हो जाती है। कई ऐसे आपके गांव में जो हालात हैं, जो विधवाएं हैं, अभी तक उन तक कोई भी मतलब सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं? भाई ये तो मेन प्रधान का काम होता है, प्रधान जाए जनता से और उसके उससे वो अपना बताए कि ये तुम विधवा पेंशन लायक हो, वो अब भाई लोग नहीं जानते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, वो सिर्फ प्रधान से जा सकता है यहाँ जाते। तो आप सरकार से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाह रहा हूँ कि गांव का विकास हो, सरकार गांव की तरफ ध्यान दे। ये कौन सा गांव है? पत्तापुरा। यहाँ का प्रधान कौन है? महावीर। जो आप बता रहे हैं कि ये हमारा जो मकान है इसमें कितने लोग रहते हैं? 50-55 करीब इस परिवार में रहते हैं। ये सारा सब बहुएं लड़के बच्चे हैं यहाँ यहाँ खड़े हैं, तो इसमें कैसे गुजारा करते हैं? गुजर नहीं होती है यहाँ, इसमें सब लोग बाहर रहते हैं। तो आपने अपने संबंधित जो यहाँ के प्रधान जी हैं, क्या उन्होंने आपने अपने आवास के लिए बोला था क्या? बोला ही नहीं आपने, तो फिर वो प्रधान जी आपको क्यों आवास देंगे जब आपने बोला ही नहीं है? बोला तो खूब है, इन जगह हम कौन को नहीं दे, कोई ताई दे खूब बोल, खूब मांगत कानूनी मिलती है नहीं, एकदम मांग ही है, हां मिलती नहीं। यानी कि आपने प्रधान जी से कहा? खूब कही, खूब कही आपने, लेकिन प्रधान जी ने आपकी कोई सुनवाई नहीं करी। अच्छा, गांव का नाम आपके? प्रतापपुरा। ये प्रतापपुरा है, क्या समस्या है आपकी? मकानों का सब गिरी था, झोपड़ी वोपड़ी जो धारी थी वगैरह सब गिर पड़ी था। तो लगभग झोपड़ी में कितने समय से रह रहे हैं आप? हम समय करीब 4 साल पहुँच हुई है। अच्छा, तो आपने ग्राम प्रधान से कहा कि मुझे आवास दिया जाए, क्या कहते हैं? कुछ नहीं, आए नहीं, आए नहीं जो कह रहे। अच्छा दादा, क्या नाम है आपका? महपाल से। गाँव के नाम? प्रतापपुरा। अच्छा, आप ये झोपड़ी में कब से रह रहे हैं? 15-20 साल से रह रहे हैं। तो आपने अपने ग्राम प्रधान से कहा कि मुझे एक आवास कॉलोनी दी जाए? जब हम खराब रहे बताते। अच्छा, गलियों तो खराब नहीं है डेरी। क्या वजह है जो आप खिलाफ आते हैं आपसे? आप दूसरे को वोट दे देते था, खिलाफ हो जाए। अच्छा, हमारे घर में थालो तो लगुआ उन्हें दे दी, अपने घर में थालो तो कैसे दे? नहीं, प्रधान है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है सर। अच्छा अमित कुमार जी, क्या समस्या है आपकी? सर समस्या मकान की है, मेरे पास मकान नहीं है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, परिस्थिति गड़बड़ है। अच्छा, माताजी मेरी खत्म हो गई है, पिताजी मेरे हार्ट के मरीज हैं सर, कोई परिस्थिति गड़बड़ है मेरी, मैं विकलांग हूँ सर। अच्छा, तो आपने ग्राम प्रधान से कहा कि मुझे एक आवास दिया जाए? जी सर। क्या कहते हैं वो? कहते हैं हम देंगे आपको। अच्छा, तो जो आपके गाँव के प्रधान हैं, तो लगभग कितनी साल से आप प्रधानी कर रहे हैं? दूसरी प्रधानी आई, दूसरी प्रधानी, लगभग 9 साल करीब हो गए होंगे। अच्छा, तो अभी तक आपको कोई मतलब नहीं सुविधा दी गई? नहीं सर। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मेरी ये मकान की व्यवस्था बन जाए, इसमें रहने लगे आराम से।